नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने एडसेंस से लिंक ऐड लगा सकते हो अपनी वेबसाइट पर। तो बहुत से मुझे सवाल आए थे, कमेंट आए थे कि भाई यार लिंक ऐड कैसे लगा सकते हैं हम अपने एडसेंस से अपनी वेबसाइट पर। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो यार सबसे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में आने वाले घंटे को दबा दीजिए एंड चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना होगा और ओपन करने के बाद आपको अपना एडसेंस यहाँ पर ओपन करके रखना है। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि मैं अपने एडसेंस में आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं लॉगिन भी हो चुका हूँ। तो आपको अपने एडसेंस में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद ऊपरी ऊपर आपको थ्री लाइंस दिखाई देगी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, तो इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक एड्स का ऑप्शन मिलेगा। तो एड्स के पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऐड यूनिट पे आप क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया ऐड यूनिट पे। ऐड यूनिट पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो थोड़ी सी लोडिंग लेने देते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। तो सबसे पहले आपको न्यू एड यूनिट क्रिएट करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में न्यू एड यूनिट, तो इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है वो नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। सबसे पहले ये जो लिखा हुआ है ना टेक्स्ट एंड डिस्प्ले एड्स, तो इसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग लेगा, लोडिंग लेने देते हैं। उसके बाद आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि मैं लिंक ही दे देता हूँ, लिंक 5-4 दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर यह लिखा हुआ है ना सोविंग एड साइज में सोविंग रिकमेंडेड लिखा हुआ है, रिकमेंडेड पे क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा नीचे लिंक एड्स का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए लिंक एड्स। उसके बाद सब कुछ ऐसा ही रहने देना, कोई भी छेड़खानी आपको नहीं करनी है। उसके बाद सेव एंड गेट कोड पर आपको क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। आपको सेव एंड गेट कोड पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ पर मैं कैंसिल करने वाला हूँ। तो आपको उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐड आईडी मिल जाएगी। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिंक ऐड है मेरे पास, लिंक ऐड पे क्लिक गेट कोड पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ये है ना गेट कोड पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर दिखा सकता हूँ आपको मैं ये वाला जो एक ऐड यहाँ से ये देख लीजिए, गेट कोड पे मैं क्लिक करूंगा लिंक ऐड पे। तो आपके सामने सेव एंड गेट कोड पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये प्लीज़ वेट का कहेगा और यहाँ पर ये कोड आ जाएगा आपके सामने। तो इसी को आपको कॉपी कर लेना है, लॉन्ग फ्रेस करेंगे और सेलेक्ट ऑल करने के बाद कॉपी हम कर लेंगे। उसके बाद अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में हमें जाना है, यहाँ पर मैं आ गया हूँ। उसके बाद न्यू पोस्ट, आपकी नई जो पोस्ट है उस पर क्लिक कर लीजिए एडिट पर, या फिर न्यू पोस्ट आप लिख सकते हो। उसके बाद आपके सामने ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और आपका जो डैशबोर्ड है लिखने का वो आ जाएगा। सबसे पहले आपको टाइटल दे देना है, जो भी आप टाइटल देना चाहते हो वो टाइटल दे दीजिए, पोस्ट लिख लीजिए। यहाँ पर हमने पोस्ट लिख दी है। तो ऐड लगाने के लिए सिंपली हमें जो HTML का ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हम ऐड लगाना चाहते हैं वहाँ पर उस कोड को पेस्ट कर देंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ये देख लीजिए हमारा ऐड कोड पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको पब्लिश कर देना है या फिर सेव, जो भी करना चाहते हो पब्लिश कर देना है। तो अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो लिंक ऐड होता है वो कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं नीचे आऊँगा ना, तो ये तो रहा इमेज ऐड है ये, और उसके बाद ये है ना ये लिंक ऐड है। तो इस तरीके से आप लिंक ऐड लगा सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।